14 तारीख को दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस का एक बड़ा जंगी प्रदर्शन हो रहा है केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ, और उसमें शामिल होने के लिए जोबट विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। मैं एक बस में हूँ, ये बस दिल्ली जा रही है और कलावती भूरिया जो जोबट की विधायक हैं वो रवाना करने यहाँ पर आई हैं अपने कार्यकर्ताओं को। इस तस्वीर में पहले आप देखिए, ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो विरोध के लिए दिल्ली जा रहे हैं। बात करेंगे, एजेंडे को समझेंगे। मैडम, दिल्ली क्यों कूच कर रही हैं आप? दिल्ली इसलिए जा रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे देश के प्रधानमंत्री की इतनी तानाशाही चल रही, जो किसान की सुनवाई नहीं हो रही है, ना व्यापारी ना बेरोजगार के लिए पूरे देश हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा मध्य प्रदेश ज़्यादा वर्षा होने से हमने पैसा मांगा था हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमला साहब, और पैसे नहीं दिए, उल्टे टैक्से के पैसे हमारे वो भी काट लिए, तो पूरा देश आक्रोश रैली निकालने के लिए जा रहे हैं, और अब इसका जवाब कड़ा और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को देना पड़ेगा ऐसा लगता। एक साल हो गया है कमलनाथ सरकार को, लगभग 17 तारीख को हो जाएगा, कैसा रहा एक साल आपके हिसाब से? एक साल चुनाव में निकल गया, एक तो लोकसभा आ गए, उसके बाद फिर लगातार कोई ना कोई परेशानी आती गई और बारिश इस साल ज़्यादा हुई, इसके कारण काम हम कर पाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हुए। भारत सरकार जो राशि देने वाली थी, जो हमारे हक की राशि है मध्य प्रदेश की जनता की, वो राशि लगातार कटौती कर दी जा रही है और हमें काम करने की बड़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं व्यवस्था करके इतना बड़ा कर्जा माफ़ी भी कराए, और अभी भी जो पानी आदि वर्षा होने से रोड पुल पुलिया टूट गए उनके लिए भी लगे हुए है, और हमारे कर्मचारियों के लिए भी लगे हुए हैं, बेरोजगारों के लिए भी, नौजवान के लिए, हमारे मुख्यमंत्री की लंबी सोच है, इसलिए मध्य प्रदेश का काम अच्छा से अच्छा हम कर पाएंगे, ये मैं कह सकती हूँ। कमरू अजनार भी हैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, उदयगढ़ के जोबट विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। दिल्ली तो बहुत दूर है, इतने सारे लोगों के साथ आप जा रहे हैं? इनके साथ हमको दिल्ली तो क्या, कहीं और जाना पड़ेगा। जाएंगे कलावती भूरिया जी के नेतृत्व में, हमारे भूरिया जी के नेतृत्व में हमको इसलिए मजबूर होकर जाना पड़ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है, प्रदेश की जनता आदिवासी गरीब लोगों की से बदला लेने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के साथ व्यवहार करते हैं, उनको इनको प्रदेश की जनता अपना परिवार समझ के उसकी व्यवस्था करना चाहिए। मनमोहन सिंह जी भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा भेदभाव नहीं कहा करा है और ना किया है जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से देश का प्रधानमंत्री बना और हमारी ये तो जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई मध्य प्रदेश में, जनता का अधिकार कि किसको बनाना किसको नहीं बनाना, लेकिन नरेंद्र मोदी उस जनता का भी वो कर रहा है, वो मतलब उसका भी मतलब बहिष्कारी समझो ना, जनता ने जब प्रदेश की सरकार बनाई है तो उस सरकार का आदर करना चाहिए, ना कि उसके साथ अपना बदला लेना चाहिए। हमारा तो ये मेरा व्यक्तिगत कहना कि बदला ही लेना था, पाकिस्तान से लो और चीन से लो, प्रदेश की जनता से क्या बदला लेना। तो आपने सुना दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, कलावती भूरिया भी यहाँ पे हैं जोबट की विधायक, और एजेंडा एक ही है कि केंद्र की मोदी सरकार जनता की अवहेलना कर रही है, जनता के हितों का, मध्य प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रख रही है, और उसका वो दिल्ली जाके कड़ा विरोध करेंगे। झाबुआ राजपुर जिले की खबरों को देखने के लिए बने रहिए झाबुआ लाइव के साथ।